डीप स्टेट को बीमारी में, तबाही में तमाशा करने का रहता है। अभी 170 बिलियन डॉलर फेड ट्रेजरी बॉन्ड बेचेगा। फेड जो पैसा प्रिंट कर सकता है वो ट्रेजरी बॉन्ड बेच के लोगों से, मतलब मार्केट से पैसा खींचेगा। इससे मार्केट क्रैश होने का रिस्क है। इट ऑल डिपेंड्स, फिएट डीप स्टेट एक ही है और बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट फर्म्स इनके ही है, तो हो सकता है ये लोग मिली भगत करके सारे स्टॉक्स बेच के स्टॉक मार्केट गिरा दे, शॉर्ट करके इन्वेस्टमेंट फर्म्स पैसा कमाए और ऐसा कुछ गेम, ताकि लोग गरीब हो जाए। 170 बिलियन से यूएस गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं होगा। दे नीड एटलीस्ट 2 ट्रिलियन। तो ये सिर्फ नौटंकी है। सीधा जा कंप्यूटर पे, नंबर टाइप कर और गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर, दैट्स इट। ट्रेजरी बॉन्ड बेचेगा, सोना बेचेगा, ऐसा दिखा रहा है जैसे बर्बाद हो गया, गरीब आदमी है। एक फिक्टिशियस इमेजिनरी मनी पे इतनी नौटंकी चल रही है। मैंने टीवी का देखा कि टीवी में भी बिल गेट्स हेविली इन्वॉल्व है, रिसर्च को पैसे दिए हैं, बेसिकली मॉडल बनाने के लिए एक यूनिवर्सिटी को पैसे दिए, शायद कंप्यूटर मॉडल बनाते रहेंगे। बट हाउ विल यू मेक मॉडल ऑफ ए हार्ट और लंग्स विथ सो मच कॉम्प्लेक्सिटी, और तुमको मालूम है झाट भर का, तुमको शायद ह्यूमन बॉडी का 1% भी नहीं मालूम, मॉलिकुलर इंटरैक्शन, एंजाइम्स और कौन सा क्या सिग्नल देता है, दे डोंट नो। विथ लेस देन 1% ऑफ अंडरस्टैंडिंग दे विल बी बिल्डिंग कंप्यूटर मॉडल्स और उसमें मेडिसिन कंप्यूटर में डालेंगे और फिर वो मेडिसिन देखेगा, दिखाएगा, अरे बैक्टीरिया को मार रहा है। ये डॉक्टर शिवा के कंप्यूटर मॉडल थे मेडिसिन बनाने के विदाउट एनिमल टेस्टिंग, तो उसमें ऐसा ही था, देखो मैंने हल्दी डाल दिया तो ये बीमारी ठीक हो गया। तो बेसिकली कंप्यूटर में वैसा फीड किया है। तो ऐसे इमेजिनरी कंप्यूटर मॉडल बीमारी के बना के ये लोग मेडिसिन बनाएंगे और सबको देंगे। और ये लोग ने जैसे अपने दल्ले ने अमृत महोत्सव बनाया था वैक्सीनेशन ड्राइव का, सेम ये लोग ट्यूबरक्लोसो को, टीबी को एक महोत्सव बना रहे। टीबी का एक दिन है, फिर टुगेदर वी कैन फाइट, ऐसे मतलब उसको लिटरली महोत्सव का, दिवाली का फ्लेवर दिया है, जैसे कि खुशी का कोई सीजन आ गया है। टीबी हो गया तो खुशी का कोई इवेंट हो गया है। और सारे बुरे लोग टीबी का मेडिसिन और रिसर्च में है, टेड रॉस, बिल गेट्स, मोदी, मतलब उसके फोटो है। तो ये लोग टीवी के दवाई ये लोग बना नहीं रहे, बट एटलीस्ट दे आर इन्वॉल्व। ये लोग जो दवाई बनाएंगे वो दवाई पेशेंट को खाना ही पड़ेगा, ऐसी जबरदस्ती मजबूरी करके रखी है। दूसरा अल्टरनेटिव ये लोग दबा रहे हैं,
खत्म कर रहे हैं। लेना है तो यही लेना पड़ेगा और तड़पा तड़पा के मरना ही पड़ेगा। और बाद में हम लोग महोत्सव मनाएंगे, टुगेदर वी कैन फाइट, वी कैन एलिमिनेट, ऐसा बकवास करके। तो साइंस मेडिसिन का ये लोग ने कब्जा करके रखा है। और डॉक्टर को जो आता है दवाई बताता है, ये दवाई वो दवाई, तो बेसिकली एमआर बताता है। और उनको ये आता है कि ऐसा रिसर्च हुआ था, ये दवाई से इतना परसेंटेज इफेक्टिव है, उतना परसेंटेज इफेक्टिव है, रिसर्च से पता चला है, ऐसा बताते हैं। और डॉक्टर उसको सच मानता है। जैसे रेमडेसिविर इफेक्टिव है बताया, 6 महीना या 1 साल लाशों का ढेर लगाया, बाद में बोला बराबर नहीं है, अरे इतने लोग मार डाले उसका क्या। तो इनको पूछने वाला कोई नहीं है, और ये कुछ गलती से मिस्टेक हो गया वो नहीं है, ये जानबूझ के किया हुआ मिस्टेक है। जो ये शैतान लोग लोगों की तकलीफ बीमारी का महोत्सव मनाते हैं, अपना दल्ला भी वही है, महोत्सव मनाता है, मौत का महोत्सव, बीमारी का महोत्सव, वैक्सीन से क्लाउड कंप्यूटिंग जाने का महोत्सव, महोत्सव का बहुत शौक है दल्ले को। और बीमारी में भी नौटंकी है, और अभी ये पैसा छाप के दे, मार्केट में लिक्विडिटी क्राइसिस है, और तू नौटंकी कर रहा है, ट्रेजरी बॉन्ड बेचेगा $170 बिलियन के, उससे US गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं होगा, पैसा अल्टीमेटली छापना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा नौटंकी करने से मार्केट क्रैश हो सकता होगा, और इनके हाथ में ये लोग भयानक क्रैश भी कर सकते हैं।